गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास फाइव के लिए टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। इससे हम लोग ये पता करते हैं कि कौन सा नंबर किस नंबर के साथ डिविजिबल हो सकता है। तो आइए देखते हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में डिविजिबल बाय टू, मतलब दो से भाग लगने वाले या दो से कटने वाले कौन सी संख्याएं। तो सबसे पहले दो से कौन सी संख्याएं भाग लग सकते हैं यानी डिवाइड हो सकता है। इफ इट हैज जीरो और एन इवन नंबर इट्स ऑन प्लेस। अगर किसी संख्या के ऑन प्लेस में क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए या इवन नंबर होना चाहिए। जैसे कि ऑन प्लेस में अगर है 2, 4, 6, 8, अगर ये सब है ऑन प्लेस में तो वह 2 से डिविजिबल होगा। तो आपको केवल यूनिट प्लेस यानी ऑन प्लेस को देखना। ओके, फिर अगले हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं डिविजिबल बाय 3। 3 से कौन सा नंबर डिविजिबल होगा। तो इफ द सम ऑफ इट्स डिविजिबल डिजिट इज डिविजिबल बाय 3, फॉर एग्जांपल 81, मतलब अगर हम जो हमारा नंबर दिया गया है उस नंबर को ऐड करेंगे और ऐड करने पर यदि हमारा क्या हो, जो सम आएगा वह मल्टीपल होना चाहिए किसका, 3 का। जैसे 81 को लीजिए, 8 और 1 कितना हो गया, 9 हो गया। ये क्या है, मल्टीपल है 3 का, इसलिए ये आपका 3 से लगेगा। उसी प्रकार आप अगला संख्या को देखिए 129 को ऐड कीजिए, 9 1 9 2 11 11 1 12। तो 12 क्या है, 3 का टेबल में आता है, इसलिए जो है आपका ये 3 का डिविजिबल होगा। अब हम लोग नेक्स्ट पर आते हैं डिविजिबल बाय 4। 4 से कौन सा नंबर डिविजिबल होगा। तो 4 से डिविजिबल होने के लिए इफ लास्ट टू डिजिट आर बोथ जीरोस या लास्ट टू डिजिट इज डिविजिबल बाय 4, या तो नंबर का जो है लास्ट टू डिजिट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, या लास्ट टू डिजिट जो है इसका 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो देखिए 68 इस नंबर का जो है 68 4 से डिविजिबल है। क्यों डिविजिबल है, क्योंकि 4 1 जब 4, फिर 2 बजेगा, 2 8 28, तो 7 2 20 8, तो इसलिए ये जो है तुम्हारा 68 ऑन तो 10th प्लेस में क्या है, 68 है, जो 4 से डिविजिबल है, इसलिए ये आपका 4 से डिविजिबल होगा ये नंबर। समझ गए, लास्ट टू जीरो डिजिट जो है जीरो होना चाहिए या फिर 4 का डिविजिबल होना चाहिए। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे डिविजिबल बाय 5। 5 से डिविजिबल होने के लिए क्या रूल चाहिए। तो 5 से डिविजिबल होने के लिए इट्स डिजिट इज इन द ऑन प्लेस इज आइदर 0 4 5, यानी ऑन प्लेस पर लास्ट में क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए या 5 होना चाहिए। जीरो या 5 कहाँ होना चाहिए, ऑन प्लेस में, यानी यूनिट के स्थान पर 0 या 5 से लास्ट हो रहा हुआ नंबर तो वह जरूर आपका 5 से। फॉलो करना चाहिए और साथ में 3 का भी रूल फॉलो करना चाहिए, मतलब उस नंबर के लास्ट में इवन नंबर होना चाहिए यानी यूनिट प्लेस पर यदि 0।
क्वेश्चन में ये होगा डिसीजन का रूल है, इफ द सम ऑफ थ्री टाइम्स इन द डिजिट इन द टेंथ प्लेस, टेंथ प्लेस वाले संख्या को कितना से डिजिट कर मल्टीप्लाई करना है, थ्री टाइम्स कर देना है, फिर एंड द डिजिट इन द वंस प्लेस इज डिविजिबल बाय सेवन, उसके बाद हम लोग उसको एड कर देंगे यूनिट प्लेस से। जैसे 91 को, 91 में क्या किए, ये जो है आपका टेंथ प्लेस को क्या करना है, थ्री टाइम्स करना है, तो थ्री से मल्टीप्लाई कर दिए, थ्री टाइम्स हो गया। फिर उसमें क्या था, 91 में वन था तो वन से एड कर दिए, तो क्या आया, 28 आ गया। इसका मतलब है ये क्या 28 से डिजिबल होगा। टेंथ प्लेस को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और जो बचा हुआ संख्या है उसमें आप ऐड कर दीजिए, तो जो रिजल्ट आएगा वो 7 का डिजिबल होगा, तो जरूर 7 से लगेगा। इसी प्रकार अगर हम लोग 8 पर आते हैं, तो इफ द नंबर आर फॉर्मेट बाय इट्स लास्ट 3 डिजिट इज डिजिबल बाय 8 और इट्स लास्ट 3 डिजिट आर ऑल जीरोज, 8 से लगने का वह नियम है कि लास्ट जो 3 डिजिट है वो क्या होना चाहिए, या तो 3-0 होना चाहिए, यदि लास्ट 3-0 है तो वह हमारा 8 से लग जाएगा। अदरवाइज ये लास्ट हमारा जो डिजिट रहेगा, मान लीजिए आपका हो गया यहाँ पर कोई एक डिजिट लेते हैं, ये संख्या है यह 4-7-8, अगर ये तीनों 4 का टेबल में कट रहा है, ये तीनों नंबर जो है यानी 3 डिजिट 4 का टेबल में कट जा रहा है, तो वो 4 का डिजिबल होगा। जैसे 4-1 जब 4, फिर 4-1 जब 4, 2 रिमाइंडर बचा 2-8 28, तो ये क्या है, ये नंबर लास्ट में है तो ये आपका 8 से डिजिबल होगा। साथ ही अब नेक्स्ट पर हम लोग आते हैं 9 से, 9 से डिजिबल होने के लिए द इफ द सम ऑफ इस डिजिट इज डिजिबल बाय 9, मतलब इस संख्या को ऐड करेंगे और ऐड करने पर वह 9 का टेबल में आता है तभी वह 9 से लगेगा। जैसे आप देखिए क्या था, 3492, 8 कीजिए 9 to 11, 11 और 4 कितना हो गया 15, 15 और 3 18 आया, तो 18 9 का टेबल में आता है ना जी, इसी कारण से ये 9 का डिजिबल होगा। अब नेक्स्ट पर आते हैं हम लोग 10 से, बहुत ही आसान है 10 वाला, डिजिबल बाय 10 इफ इट्स डिजिट इज ऑन प्लेस इज 0, मतलब डिजिट कोई भी नंबर है और उसका लास्ट प्लेस पर यानी यूनिट प्लेस पर यदि 0 हो, ऑन प्लेस पर 0 हो, तो वह क्या होगा, 10 का डिजिबल होगा। बहुत ही आसान है, आप लोग अगर इस रूल को फॉलो कीजिएगा तो आप बहुत ही आसानी से मैथ को सॉल्व कर पाइएगा, तथा बड़े बड़े एग्जामों में, कंपटीशन के एग्जामों में आपको आसानी होगी। इसलिए आप अभी से टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी पर ध्यान दीजिए और इसको समझिए कि ये कैसे डिवाइड होता है।